दोस्तों, मुझे मेरे पास फाइनली पेटीएम पेमेंट्स बैंक का डेबिट कार्ड आ चुका है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं कि डेबिट कार्ड कैसे ऑर्डर करना है दोस्तों, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार, आप सभी देख रहे हैं मिस्टर बिहारी चैनल। जल्दी दोस्तों, इसे मैं फटाफट अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे डेबिट कार्ड है और किसे इसे एक्टिवेट करना है। चलिए दोस्तों, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मुझे फाड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक अंगूठी जो मैं फाड़ रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं दोस्तों पॉज करके इसे मैं अच्छा से फाड़ लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, ये फट चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फट चुका है। और इसे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसका जो पेपर है मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, इसे मैं देख सकते इस तरह कुछ इसका ये था कार्ड। से मैं साइड करता हूँ और अपना मेन चीज़ पे ध्यान देता हूँ। तो दोस्तों, इधर मेरा कुछ एड्रेस वड्रेस लिखा हुआ है और फ़ोन नंबर सब है। तो इसे मैं दोस्तों ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा रहा डेबिट कार्ड और कुछ इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड है। तो चलिए दोस्तों, डेबिट कार्ड को फटाफट निकालते हैं इससे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कैसे इसे एक्टिवेट करना है डेबिट कार्ड को, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी मैं साइड करता हूँ और अपना डेबिट कार्ड एक्टिवेट करते हैं। और दोस्तों, इधर आप फुल प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे मैं साइड करता हूँ, अपना डेबिट कार्ड की तरफ चलते हैं। जैसे दोस्तों, ये मेरा डेबिट कार्ड है और पीछे में दोस्तों इसका कुछ स्कैन करके दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि लिखा हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको चलना है अपना पेटीएम में और पेटीएम का लॉगिन रहना है। और लॉगिन रहने के बाद दोस्तों, मैं आगे मैं आपको बताता हूँ।